सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। गाइस कैसे हैं आप सब? फिर से वापस से आप सब लोग का एक नए दिन में स्वागत करता हूं। और आज सुबह सुबह भैया अपने घर से मॉर्निंग मतलब हो रही है ना, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब आ रही है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से ना वैसे ही इतना ज़्यादा परेशान चल रहा था बहुत सारी चीज़ों को लेके, वो सब आपको पता ही है, जिसकी वजह से मेरा उत्तराखंड का पूरा ट्रिप भी बेकार हो गया और मुझे आधे ट्रिप के बाद ना सब कुछ छोड़कर वापस आना पड़ा। फाइनली अपने घर आ गया हूँ और आज अपने घर से शुरुआत करता हूँ। सुबह मम्मी ने ये सब क्या कर रखा है, आजकल ना हमारे घरों में ना आम हो रहे हैं और हम लोग आम की ना चटनी बनाने के लिए ऐसे आम को छिलके ना सुखाते हैं। देखो सामने आपको आम दिखा रहे हैं, ये आम लगे हुए पेड़ पे, तो ना ये आधी से गिरते रहते हैं, तो जब आम गिरता है तो हम छिलके ना उनको पूरा छिक्कल विक्कल निकाल के सुखाते हैं। इतनी काली काले रंग की तो वैसे ही बनती है, तो हम बहुत सारे मतलब आम छिलके मम्मी ने ना छत में भी रखे हुए हैं। मतलब मैं तो ना पहाड़ों पे था ना, तो वहाँ तो भाई इतना ठंडा मौसम था ना कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन यहाँ आने के बाद ना नींद भी नहीं आ रही अच्छे से, इतना पसीना हो जा रहा है। देखो हमने ना अपने घर के बगल में जो आपका आम के बगीचे है ना, वहाँ पे पानी वानी भी लगा रखा है देखो इस तरीके से, और ताऊ लगे पड़े हैं अपने खेत में पानी लगा। नमस्कार ताऊ। अरे गुल पानी की नहर, अच्छा इस पेड़ से उस पेड़ तक पहुँचाने के लिए। जब हमारे इस टाइम पे ना गर्मी के टाइम पे, अभी आपका जून का महीना भी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो आपका ये मई का महीना है, तो ना इतना गर्म हो रहा है ना, तो बगीचे में ना जो आम के पेड़ होते हैं ना उनके नीचे ना पानी हमेशा ऐसे भरा हुआ होता है इस तरीके से। देखे पेड़ों में ना आम लगे हुए हैं, तो इनकी ना जड़ ठंडी रहनी चाहिए ताकि भैया ऊपर ना आम भी सूखेगा नहीं और गल के झड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से एक आम के पेड़ से दूसरे आम के पेड़ तक पानी ले आने के लिए ऐसे यहाँ से नहर खोदते हैं हम लोग, और फिर धीरे धीरे पानी वहाँ तक पहुँचता है, तभी जाके भैया हमको ना आम खाने को मिलते हैं। मतलब कि आम ऐसे नहीं लगते कि मतलब पेड़ लगा दिया, पेड़ बड़ा हो गया और आपको आम खाने को मिल गए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब आ रही, क्योंकि अपने घर वाले अपना घर का माहौल, तो ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं हो रही। वरना बीच में तो ना मैं सच में इतना डिप्रेशन में आ गया था ना कि मैं ना ब्लॉग भी नहीं बना रहा था, ब्लॉग अपलोड भी नहीं कर रहा था, लोगों से बात भी नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि 3-4 दिन तो लोगों से मेरी बात भी नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना वो आपका बद्रीनाथ थाने में आपका जमा हो गया था, जिसकी वजह से 5-6 दिन तक किसी से बात भी नहीं हो पाई मेरी, तो घर वाले भी परेशान हो गए थे। बट अब अपने घर पहुँच गया हूँ, अब दूसरे फ़ोन में सिम डाला हुआ है, बहुत जल्दी नया फ़ोन ले लूँगा। तो चलो अपने घर के काम करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ट्रिप ख़राब हो गया तो क्या हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो भैया ये देख लो, इस तरीके से नहर से ऐसे गोल निकालते हैं। तो देखो भैया आज सुबह सुबह दिन की शुरुआत इस तरीके से हो रही है, खेत में काम के साथ में। तो इस तरीके से ना खेतों में ना पानी भी लगाना पड़ता है। तो भाई चलो अपना पूरा 1.5 से 2 घंटा हो गया और कम से कम 10 से 15 जो पेड़ थे ना आम के, उन सब में पानी लगा दिया। अभी ना ये फावड़ा देख के ऐसा लग रहा है ना कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वैसे घर आके ना सारी टेंशन रिलीज हो जाती है, क्यों मतलब फाइनली आज अपनी 4 धाम से यात्रा से आने के बाद मैंने भी अपने खेत का भी पूरा काम कम्प्लीट कर लिया। अब एक काम करते हैं, नहाने धोने के लिए चलते हैं झरने और नदी के पास, और उसी के साथ साथ अपनी गाड़ी को भी साफ कर लेंगे। ओ भाई खेत वेत तो पानी ना बढ़िया तरीके से लग गया था, तो तभी अभी मामा की भी एंट्री हो गई हमारे घर में, तो मामा बोल रहे हैं कि कटहल लेके जाना है, तो चलो कटहल तोड़ के मामा को देते हैं। हाँ तो भाई इतना छोटा है लेकिन फिर भी भारी, कितना लो पकड़ो तुम। तो भाई अविराज जैसे ही मैंने कटहल काटा ना, इसमें से पता नहीं सफेद सफेद क्या निकला रस देखो, और पता है मेरे ना हल्का सा यहाँ इसमें भी ना पूरा ये लग गया, हाथों में लग गया, चिपक चिपक नहीं लग गया पूरा हाथ मेरा। और कटहल काटने में ना ये दिक्कत बड़ी बड़ी होती है, मम्मी बोल रही थी कि अब तेरे को लाई के तेल से हाथ धोना पड़ेगा तभी जाकर। चलो खेत का काम भी हो गया और मामा का कटहल का काम भी हो गया, शैम्पू वैम्पू भी निकाल लिया, अब चलते हैं नदी में और अपनी गाड़ी को भी धोते हैं और अपने को भी साफ करते हैं, ठीक है। चलो आपको ना जन्नत पे ले गया था, मतलब कि मेरे गाँव के वो हिडन रिवर, हिडन वाटरफॉल, वो सब कुछ वहाँ है, वहीं चलते हैं, वहीं जाके अपनी गाड़ी भी धो लेंगे और थोड़ा सा मस्ती भी हो जाएगी। तो भाई ये अपनी सारी गाड़ियाँ घर की, ये जिसको मैं लेकर अभी गया था आपका उत्तराखंड राइड पे, इससे पहले इसको लेकर लद्दाख राइड पे, और वो स्कूटी घर में खड़ी रहती है। और हिमांशु भी आ गया, चलो हिमांशु और मैं गाड़ी को साफ करके लाते हैं। गंदी हो गई देखो, इसके अंदर ना गाड़ी के अंदर ना पूरा ऐसा हो गया, पूरा कचरा ही कचरा, मलवा मलवा भर गया गाड़ी के अंदर। तो चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से नदी की तरफ को। भाई मैं कितने टाइम बाद अपने गाँव की सड़कों को देख रहा हूँ भाई, पिछले 1 महीने से ना अपने गांव को देखने के लिए तरस गया था भाई मैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना,
जब आप कहीं जाते होगे या कहीं जॉब करते होगे बाहर, तो अपने गांव को कितना मिस करते होगे ना। तो भाई देखो हम कहां पहुंच गए, जंगल जंगल और जंगल के अंदर ही आ गए भाई। यहां तो ना एलिफेंट ने पॉटी भी करी है भाई हर जगह पे भाई। ये देख लो जहां था पे हाथी ने पॉटी कर रखी देखो। तो भाई साहब फाइनली देखो हम लोग पहुंच गए भैया जन्नत में। और यहाँ देखो भाई मेरे पीछे ना ये मेरा नहाने का अड्डा हुआ करता था जब मतलब मैं पहले जॉब करता था, स्कूल पढ़ता था ना, तो डेली स्कूल खत्म होने के बाद ना हम लोग यहाँ पर आ जाया करते थे। वहां से ना पानी बह के आता है देखो, और यहाँ पूरा पानी जमा होता है ना, फिर हम इसमें डूब के नहाया करते थे यार। जंगल के अंदर है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि यहाँ कौन गया, आराम से नहाओ, फुल मजे करो, घंटा घंटा तीन तीन घंटे तो नहाते थे हम लोग। ये देखो भाई ये मेरे साथ हिमांशु आया था, ये तो कूद भी गया। गाड़ी धोनी, गाड़ी पहले चल, तो पहले गाड़ी धोएंगे। चलो हम भी काम करते हैं, पहले डुबकी लगा लेते हैं। थ्री कैसे फोन के साथ चले हूँ, टेस्ट भी हो जाएगा कि मेरा ये फोन वाटरप्रूफ है या नहीं, इस पानी में जाके पता चलेगा। वैसे मैंने आज तक आज से पहले कभी भी अपने फोन को ना पानी में डुबाया। हर हर पानी में डुबा दिया फोन पूरा भाई मैंने। चलो एक बार डुबाते हैं भाई। फोन चल रहा है, नहीं चल रहा है, फोन चल रहा है भाई। आवाज आ रही नहीं आ रही, आवाज आ रही है तो पता नहीं इस बार आवाज आ रही नहीं आ रही, लेकिन भाई फोन को आपने बहुत बार डुबा दिया। देखो ये पता है, अभी पानी के अंदर गया ना मेरा ना बिल्कुल ऐसा नाक और मुंह में ना पूरा पानी घुस गया, मैं उल्टी करता करता थक गया सच में। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर में यहाँ तक ना पूरा पानी भर गया यार। बट कोई नहीं, अभी 5-10 मिनट बैठने के बाद मैं रिलैक्स हो गया हूँ थोड़ा सा। पूरा यहाँ तक पानी भर गया, पेट के अंदर यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि छलक के बाहर को आएगा। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं अपनी गाड़ी को वॉश कर लेते हैं। देखो अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है आपके रोहित पहाड़ी की, और कोनों से मारना शैम्पू बढ़िया वाला, ठीक है। आज इसी बहाने एक महीने बाद मेरी गाड़ी धुल रही है। चलो भैया अपनी गाड़ी को पूरा कर दिया, अब हो गई गाड़ी रेडी। देखो भाई आराम से, ओए वैसे एक बच्चे को नहलाते हैं ना भाई, वैसे मैं भी अपनी गाड़ी को नहलाता हूँ। इसका नंबर भी ना महीने में एक बार आता है, पूरे उत्तराखंड राइड करने के बाद इसका नंबर आया देखो धोने का। तो भाई पता है नहाते नहाते ना 3 घंटे कब गुजरे मुझे पता भी चला, और घर से ना पापा का फोन आ गया कि फटाफट से घर आ जा, अभी मेरे को हल्ला नहीं जाना है, क्योंकि आज मेरे भांजे भांजी घर आ रहे हैं। दीदी ना दिल्ली से बैठ गई है आपका यहाँ के लिए, और जिया जी ने उनको सुबह की बस में बैठाया था, मैं भूल गया था। नहाते नहाते इतना मगन हो गया मुझे पता ही नहीं चला, अब फटाफट से पापा का फोन आ गया जल्दी घर आ जा, हल्दा नहीं जाना है, भांजा भांजी को लेकर आना है। तो चलो भैया अब देखो गाड़ी ना, अब लग रही ना गाड़ी हीरोइन जैसे। मैंने नहा लिया, अब एक काम करते हैं फटाफट से गाड़ी पकड़ते हैं। और पता है मेरे पास ना कार नहीं है, इसलिए मैंने अपने दोस्त की कार मंगाई है, और दीदी भी आ रही है, गुन्नू आ रहा है, और आपका मेरी भांजी भांजा दोनों आ रहे हैं। इस बार चीजा जी साथ नहीं आ रहे, इसलिए ना चीजा जी ने उनको बस में बैठा दिया है, और बस आपका 3 बजे के आसपास हल्द्वानी पहुंच जाएगी। मैं काम करता हूं फटाफट से गाड़ी पकड़ता हूं और यहां से हल्द्वानी चलता हूं, और अपने भांजा भांजी को रिसीव करता हूं, ठीक है। और आज मैंने ना भांजा भांजी की आने की खुशी में देखो मेरी ड्रेस कैसी पहन रखी मैंने मैचिंग ये श्रीलंका से मैंने लिए थे ना कपड़े, आपको याद होगा तो जब मैं श्रीलंका ट्रिप में गया था तो वहां पे मैंने खरीदी थी। बट यह है कि श्रीलंका की निशानी है, मैं जब भी पहनता हूं ना तो मुझे श्रीलंका की याद आती है। अभी एक काम करता हूं फटाफट से चलता हूं गाड़ी स्टार्ट करता हूं, वरना ना मेरी भांजी के बारे में आपको पता नहीं है, वो ना मेरी क्लास लगा देती है। और भैया मेरे साथ एक अंकल जी भी जा रहे हैं, आज हमारे पापा के ननिहाल से अंकल जी आए हैं, तो वो भी हमारे घर पर आए थे, तो वो भी मेरे साथ चलेंगे। ना मैं बहुत टाइम बाद जाके आज कार चलाने वाला हूँ, मतलब कितने टाइम बाद, एक डेढ़ महीने से ऊपर हो गया मैंने कार को हाथ भी लगाया था, बट कोई नहीं आज चलते। चलो भैया जी आपका हम लोग आपका घर से निकल गए। तो भैया जी अभी क्या हुआ ना, मैं जिस अंकल जी के साथ मैं जा रहा हूँ ना, हालांकि अंकल जी मुझसे बोल रहे थे कि आप कहाँ कहाँ घूमते हो, तो मैंने कहा मैं तो अंकल जी श्रीलंका और नेपाल घुमाऊँ, तो अंकल जी बोले मैं भी विदेश में बहुत घुमाऊँ, तो मेरे को लगा है हमारे पापा तो आज तक कभी कहीं नहीं घूमे। तो अंकल जी बताया कि वो आर्मी में थे और वो आर्मी चीफ कमांडरों के साथ ना। आप कौन सी कंट्री घूमे अंकल जी? तुम्हारा ये लगा लो रशिया में गया हूँ, चीन में गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। ऑस्ट्रेलिया भी गए हो आप? न्यूजीलैंड गया हूँ। अच्छा
एरिया पूरा घूमा है, जापान में गया हूँ। बाप रे बाप, मतलब बताओ, हम तो अभी दो ही देश घुमा हूँ और अंकल जी ने कम से कम इतने सारे देश घूम लिए। और जितना ना हम आपके, मतलब हम यूट्यूबर नहीं घूमते, उससे ना आर्मी वाले घूमते हैं, इससे पता चल गया मुझे आज। अभी चलते हैं हल्द्वानी की तरफ, चलते हैं फटाफट से यहाँ से हल्द्वानी पहुँचते हैं और अपनी दीदी को, भांजा भांजी को रिसीव करते हैं। अंकल जी को बता दे। ओके अंकल जी, नमस्कार, प्रणाम, ठीक है, बाय बाय। चलो अंकल जी को मैंने उतार दिया, अब चलते हैं आपका बस स्टैंड के पास, जहाँ दीदी और हिमांशु और क्या कहते हैं तानी भांजा सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, चलो। तो भाई देखो, हम हल्द्वानी में पहुंच तो गए हैं, कहाँ खड़े हैं आपका मेरे भांजा भांजी, पता नहीं दिखाई तो नहीं दे रहे, कहीं दिख गए हैं। ये आगे हमारे भांजा भांजी। चलती गाड़ी में कौन खोलता भाई ऐसे गेट? तो भाई चलो पहले इनका सामान सेट कर लेता हूँ, गाड़ी में डाल देता हूँ, ठीक है। चलो एक ही बैग है और बैग भी है, और ये देखो प्रमो। हेलो, क्या हाल है, पहुंच गई? हाँ। कैसा रहा सफर? बढ़िया बढ़िया। अब वो देखो भैया, दीदी भी उधर बैठी हुई है और गन्नू। क्या चलो एक काम करते हैं, पहले कुछ खाते हैं। और सफर कैसा रहा अभी? नमस्कार, हम खुश रहो, लाओ पिठिया बिठाए दो फिर, पिठिया जाते टाइम दोगे तुम? वायरल हो गया, कत्ता ही वायरल। पिज्जा खाना है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है या लस्सी पीनी है, जूस पीना है, क्या पीना है? क्या पीना है? लॉलीपॉप, ठीक है, ओके। कहाँ जाए जूस की दुकान में? पता क्या हुआ, मैं इनके आने की खुशी में इतना भूल गया, गाड़ी के सारे शीशे बंद करके ना, और गाड़ी गर्म होगी तो क्या, हिमांशु ने याद दिलाया कि भाई एसी तो ऑन कर दे। मैं इनको कितना याद करता हूँ पता ही है ना, सुबह शाम कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल, रात को कॉल, दिन को कॉल। इसीलिए आपको फोन स्विच ऑफ आता है? कभी कभी आता है, कभी कभी। चलो इनको पहले पार्टी कराते हैं। मोमो खाने क्या? नहीं, मोमो चाउमीन बर्गर। एसी काम नहीं कर रहा है या ये गाड़ी ज्यादा गर्म हो गई है? एसी ऑफ है यार, एसी ऑन करो। अरे ये एसी कब से ऑफ है? तो भाई अभी हम लोग आपका लस्सी पीने के रुके थे, तानी और सब लोग बोल लस्सी लस्सी बोल रहे थे, और लस्सी वाली दुकान ही बंद हो गई। अब हम तानी कहाँ जा रहे हैं? हमें कदर शिकंजी पीने से मतलब, यहाँ पे मदर डेरी था, ये मदर डेरी मिल गया, मदर डेरी मिल गया। रुक 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 रुक, यहाँ की लस्सी मैं पीऊंगा। ये प्लेन लस्सी ठीक है, कितने की भैया बोलो? हाँ हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। तो चलो भाई फाइनली एक काम तो पूरा हुआ, लस्सी मिल गई यार, कैसे ना कैसे हम सब ने अलग अलग फ्लेवर की लस्सी पी ली है। मदर डेरी की लस्सी आती है, मुझे पता नहीं था सच में आज से पहले। अभी तानी ने बताया कि लस्सी आती है और दुकान भी दिख गई हम लोगों को। सस्ती है और अच्छी भी है। अच्छी हो यार, बस ऊपर से क्रीम नहीं है, बाकी बढ़िया है। क्या में कैमरे के सामने मेरा हाथ ऐसे कैसी रह गया? आगे चलते हैं, लस्सी लस्सी लग गई है। देखो कैसे लगा पड़ा है गर्मी, मेरी गाड़ी का नाम हुई ना, लस्सी गिरा दी गाड़ी के अंदर यार, यार मेरे ना मेरे भाजा भाजी में पागल है तुम्हें। चश्मा भी खराब हो गया देख। सी पीने के बाद ना हम लोग आगे एक बार और हमने स्टॉप लिया, और यहाँ हमने क्यों लिया था ना स्टॉप? मोमो खाने के लिए। मोमो लेने के लिए हमने हिमांशु को भेज दिया, हम लोग यहाँ गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं। तो भाई देखो मोमो आ गए हमारे बढ़िया तरीके से। कैसे हो रहे हैं? गुन्नू को मोमो मत खिलाओ, नहीं मत खिलाओ, मत खिलाओ गुन्नू को मोमो, नहीं गुन्नू को मत खिलाओ। तो भाई देखो ये अपना गुन्नू भी भैया देखो आगे से आ गया गाड़ी में, अब गुन्नू गाड़ी के मजे ले रहा है। तो चलो भैया फटाफट से घर पहुंचते हैं। हमारा घर भी कैसा रह गया, ये अजीब सा लगता है यहाँ पर से। ये कैमरे में क्या बोल रही है भैया? घर जैसा वैसे तो होगा। तो भाई फाइनली घर पहुंच गए, अब सामान वाम निकाल लेते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। मैं कल ही बद्रीनाथ से घर पहुंचा। नमस्ते, नमस्ते। तो भाई फाइनली हम लोग आपका घर पहुंच गए, और ये देखो दीदी आ गई है, घर बैठ गई है, और मम्मी की लड़ाई चल रही दीदी के साथ मिठाई को लेके। दीदी ना मिठाई लेके नहीं आई है, दीदी आई जलेबी लेके। इतने दिन बाद आ रही मेहमानदारी, मिठाई तो लेके आनी चाहिए, कह रही जलेबी सस्ती आती, जलेबी से काम चल जाएगा। तो फाइनली गाइस टाइम हो गया आपका 7:30, मुँह हाथ धो लिया। अब एक काम करता हूँ, आज के खाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है चलो। और आज का खाना मैं बनाने वाला हूँ। अभी इसको बनने में ना कम से 25 से 30 मिनट हो गया, और मैंने ना मसाले को इस तरीके से भून दिया ना, पूरा प्याज टमाटर ना पूरे मसाले में इस तरीके से भून दिया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें डालूंगा मैं आपका क्रीम, ओके।
क्रीम डालने के बाद फिर इसमें डालूंगा मैं सब्जी, ठीक है, मतलब कि चिकन। हेल्प करने के लिए ये बोल रही क्रीम में डालूंगा वरना फिर मैं ब्लॉग में नहीं आ पाऊंगा। वो ऐसे ऐसे डाल डाल सेंटर में डाल डाल दे रहा डाल दे रहा डाल दे रहा डाल दे रहा डाल दे रहा। ये देखो भैया अब इसमें क्रीम पड़ रही है, अब बैठ गया, ठीक है। वैसे जो लोग चिकन नहीं खाते हैं उनके लिए सॉरी। अब ये सब मसाले ना इसमें मिल जाएंगे, उसके बाद भाई क्या ही टेस्ट बनेगा देखना। जो वैसे लड़के जब खाना बनाते हैं ना तो लगाते हैं 2 घंटा लेकिन खाना अच्छा बनाते हैं। लड़कियों को ना खाने के मामले में टेस्ट के मामले में लड़के पीछे कर देते हैं। नहीं करते तो बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या कोई लड़की है जो चैलेंज देती मुझे खाने के मामले में? कोई लड़का खाना बनाता है तो पक्का वो कमेंट करके बताएगा भाई कि हाँ मैं भी ऐसे टेस्ट बनाता हूँ। लड़के मतलब खाना बनाने में लड़कियों से एक नंबर आ गए हैं। चिकन अभी भी बन रहा है और टाइम देखो अब कितना हो गया, 7:30 से आपका टाइम हो गया 9:30। कहा था ना कम से कम 2 घंटे तो भाई मुझे लगते हैं खाना बनाने में। भैया अपना चिकन विकन बन गया और सारे परिवार वाले बैठ गए भैया खाने के लिए। तो भैया जी आज के ब्लॉग में इतना ही और अब करता हूँ मैं आराम, थोड़ी देर अपना ब्लॉग एडिट करता हूँ उसके बाद मैं सो जाऊंगा और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। और एक और जो भी आपको अच्छा लगा हो बढ़िया सा कमेंट करना और कुछ समझ में ना आए तो हार्ट से बना के भेज देना। और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।